दोस्तों वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का कंसेप्ट है जीएसटी की डिटेल कैलकुलेशन। जी हाँ, अगर मान लीजिए आप लोग जीएसटी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो भी टैली के अंदर, आप लोगों को यहाँ दिक्कत आ रही है, आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा, आप नए यूजर्स हैं या आप पुराने यूजर्स हैं और आपका जीएसटी टैली में कैलकुलेट हो ही नहीं रहा है, तो भैया ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोग को यहां मैं बताने वाला हूं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आपने नहीं सेट किए सही तरीके से तो आपका जीएसटी कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा और आप प्रॉब्लम में रहेंगे हमेशा। तो चाहे नए यूजर्स हो चाहे पुराने यूजर्स हो, सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं गाइड ऑफ मैथ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जीएसटी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का कंपनी क्रिएशन के टाइम पर ही है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूं और यहां पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो डालनी है वो है आपका स्टेट। जी हाँ, अगर आप स्टेट मेंशन नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा और आपको यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही आपको पिन कोड भी देना बहुत जरूरी है जो आप लोग जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम पर, क्योंकि पिन कोड रिक्वायर्ड होता है एज पर जब आप लोग ईवे बिल कर रहे हो। सेकेंड फीचर है F11 फीचर, जहां पर आपको जीएसटी एनेबल करना होता है और वहां पर भी जीएसटी की कुछ सेटिंग्स है जो आप लोगों को करनी चाहिए वरना आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। अब जीएसटी के इस ऑप्शन को जैसे ही आप यस करेंगे, यस करने के तुरंत बाद आप लोगों को यहां पर सबसे पहला काम करना है स्टेट चुनना है और स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि आपने कंपनी बनाते समय अगर स्टेट प्रॉपर दिया होगा तो यहां पर उसका स्टेट मेंशन हो जाएगा। तो यहां पर आपको दिल्ली लेना है स्टेट, क्योंकि आपका करंट स्टेट दिल्ली ही है। उसके बाद आपको ये डिफाइन करना है कि आपका टाइप क्या है। रजिस्ट्रेशन टाइप भी बहुत जरूरी है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार का ले रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है तो आप यहां पर रेगुलर ले लीजिए और उसके बाद एंटर प्रेस करिए। अगर आपका एसएससी दूसरी टेरिटरी का है और यहां पर रजिस्ट्रेशन लेकर बैठा है तो यहां पर इस ऑप्शन को भी यस करिए, अदरवाइज आप इसको नो रख सकते हैं। तो यहां पर मैं एक जीएस नंबर स्पेसिफाई कर देता हूं। जीएस नंबर स्पेसिफाई करने के बाद तुरंत आप लोगों को यहां पर एक इंफॉर्मेशन देनी होगी कि आप जीएसटी की जो रिटर्न है वो किस तरह से बनाएंगे, या मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर, तो आप लोग ये मेंशन जरूर करें। उसके बाद आप लोग को यहां पर ईवे बिल का सेक्शन मिलेगा जो कि आप लोगों को अनेबल करना पड़ेगा जब आप करेंगे। तो ईवे बिल को यस करिए और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये सेटिंग्स आप लोगों को करनी है जब आप लोग कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी का फीचर ऑन करें। दोस्तों नेक्स्ट आता है आप लोगों का जीएसटी का फीचर, लेजर को बनाते समय बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेजर बना रहे हैं सेल और परचेज का तो यहां पर आपको जीएसटी की किस फीचर को ध्यान रखना है। तो अगर आप सेल्स अकाउंट बनाते हैं, आपने सेल्स का लेजर बनाया सेल्स टैक्स एट द रेट 12%, तो यहां पर आपको इसे सेल्स अकाउंट में रखना है। और बहुत ध्यान से दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जीएसटी को एप्लीकेबल करना है। अगर आप एप्लीकेबल नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी फिर से कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल सेल्स के लेजर को बनाते समय भी आपको कर देना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इस लेजर को एक्सेप्ट कर दीजिए। दोस्तों उसके अलावा और लेजर्स कौन से हैं जो कि आप लोग को जीएसटी बनाते समय चाहिए, वो है सीजीएसटी का लेजर। जी हाँ, सीजीएसटी का जो लेजर है, सीजीएसटी टैक्स लेजर जो आप लोग यहां पे क्रिएट करेंगे, उसको भी आप लोगों को सही तरीके से बनाना है और इसको जीएसटी के अंदर रखना है, अदरवाइज इस पे जीएसटी नहीं आएगा। और लेजर बनाते समय आपको यहां पर सीजीएसटी लेना है, इसी तरह से आपको एचजीएसटी टैक्स, तो ये लेजर्स आपके तैयार हो चुके हैं। साथ ही आपको एक पार्टी का लेजर भी क्रिएट करना है। अब पार्टी का लेजर क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो वहां पर पार्टी की इंफॉर्मेशन तो बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं पार्टी का लेजर भी क्रिएट कर देता हूं। हमारी पार्टी है एमएस धोनी और यहां पर हमने इसे क्रिएट किया है अंडर सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर के रूप में हमें इसे क्रिएट करेंगे और यहां पर इनका जीएसटी नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, ये पार्टी रजिस्टर्ड है, तो इनका जीएसटी नंबर आप स्पेसिफाई कीजिए, अदरवाइज इसे अनरजिस्टर्ड करके भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि पार्टी जब क्रिएट कर रहे हैं तो यहां पर आप लोगों का इसका स्टेट बहुत ध्यान से मेंशन करना है, क्योंकि आप लोगों को स्टेट के हिसाब से ही जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होगी, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो स्टेट मेंशन जरूर करें और अगर ये गलत कर दिया तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो
नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग को जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी जब करनी है वो है आइटम क्रिएशन के टाइप पर। जी हाँ, अगर आप यहां पर आइटम क्रिएट करते हैं, जैसे आप मान लीजिए मैंने यहां पर आइटम बना दिया है एक 12% वाला, और 12% वाला आइटम मैंने यहां पे क्रिएट कर दिया है, इससे मैंने पीसीएस के अंदर रखा, दोस्तों यहां पर भी आप लोग को जीएसटी एप्लीकेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिटर्न में शो नहीं होगा। और यहां पर आपको पीसीएस लेना है, यूक्यूसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूक्यूसी आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, आपको यहां पर भी करनी है, और यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल करने के बाद आप लोगों को साथ में उसका स्पेसिफाई करना है, उसका पूरा डिटेल्स, यानी उसका एचएसएन नंबर क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो प्रोडक्ट टैक्सेबल है या नहीं, और साथ ही उस पर जीएसटी रेट क्या लग रहा है, ये भी आपको यहां पर मेंशन करना होगा। उसके बाद गुड्स लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और यहां पर सिंपल एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं सेल्स लेजर करते समय, सेल्स लेजर बनाते समय आप लोगों को कौन कौन सी ऐसी जीएसटी की सेटिंग्स है जो ध्यान रखनी है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने F8 प्रेस कर दिया है, जीएसटी के लिए सेल्स का लेजर ओपन कर दिया है। अब यहां पर आपको पर्टिकुलर मोड दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं आइटम की सेल करने वाला हूं, यानी कंट्रोल एस से मुझे मोड चेंज करके आइटम इनवॉइस कर देना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर आते हैं, सिंपल पार्टी का लेजर सिलेक्ट करेंगे, तो पार्टी का लेजर आप लोग के पास एमएस धोनी है, यहां पर आपने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, और यहां पर आप लोग सेल्स का लेजर सिलेक्ट कर लीजिए। और अब यहां पर आपको बताना होगा वो आइटम जो आप लोग सेल कर रहे हैं, तो आइटम हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहां पर आप लोगों को उसकी क्वांटिटी बतानी है कि जो आइटम आप खरीद रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी है, तो बेसिकली उस आइटम की हमारे पास एक ही क्वांटिटी है जो हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। और अब यहां पर ये दिखा रहा है कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और रेट ये क्या है, तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए मैंने एक जानकारी बना रखी है। देखिए, अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास टैक्सेबल वैल्यू 2000 रुपए है, उस पर 12% का जीएसटी लगा है, जिससे सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका निकलकर आ गया है 6%। और अगर आप टोटल वैल्यू देखें तो टोटल वैल्यू 2240 रुपए है, जो कि लोकल्स के अंदर है। अगर सेम केस आप इंटरस्टेट करेंगे तो वहां पर आईजीएसटी लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो आप लोगों का ये जो अमाउंट आप लोगों का आ रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये जो अमाउंट है आप लोगों को वहां पर लिखना है, मेंशन करना है, ताकि आपका जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए और आपका टैक्सेबल वैल्यू भी वहां दिखाई दे। तो चलिए देखते हैं, यहां पर मैं 2240 लिख रहा हूं, और जैसे ही मैंने लिखा तो आप देखें मेरा जो रेट है वो ऑटोमेटिकली जीएसटी डिडक्ट होने के बाद अपने आप मेंशन हो चुका है। और आप एंटर प्रेस करिए, और एंटर प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है, क्योंकि पार्टी विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप यहां पर एसजीएसटी के अलावा, सीजीएसटी एसजीएसटी के अलावा आईजीएसटी टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए आईजीएसटी टैक्स नहीं आएगा। रीजन इज दैट, क्योंकि जो पार्टी आपने बनाई थी वो पार्टी कहां की थी, आप देखिए यहां पर जो पार्टी है वो दिल्ली की है। अब इसे अगर आप चेंज करके मान लीजिए मैं हरियाणा की कर देता हूं, तो यहां पर हरियाणा पार्टी आपने चेंज कर दी, और अब एंटर प्रेस करते हैं और चेक करते हैं क्या आईजीएसटी शो हो रहा है या नहीं। तो भाई अब चेक करिए, यहां पर आपको हरियाणा सिलेक्ट करना होगा, और हरियाणा सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को एंटर प्रेस करना है, और ये देखिए अब आईजीएसटी आ रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर बिल बन सकता है, और आपको कभी भी जीएसटी के कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं आने वाली, अगर ये सारी सेटिंग्स आप लोग प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने बताई वैसे ही करेंगे। तो बहुत ध्यान से अगर ये सेटिंग्स आप लोग कर रहे हैं और इस तरह से आपका जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, तो भाई आप लोगों को जीएसटी हमेशा कैलकुलेट होता हुआ दिखाई देगा। अगर फिर भी कोई एरर आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस एरर पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक ले देखते रहे, सीखते रहे, गाइड ऑफ मैट। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।